हाय, कल मैं लाइव आई नहीं थी। अब नेक्स्ट जुम्मा जुम्मा मैं लाइव नहीं आऊंगी, यानी तो मैं यूट्यूब पे भी या कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं इज्तिमा को जा रही हूँ जुम्मा जुम्मा। मैं भी तो सीखूँ और सीखना चाहती हूँ, मैं भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, मगर सोशल मीडिया से जो मिला ना, सब फेक लोग जो बात करते हैं, यानी जो भी इस्लाम ईमान के बारे में बात करते हैं उनसे नहीं। मैं सीखना चाहती हूँ दिल से, तो मैं इसलिए जुम्मा हर फ्राइडे मैं लाइव नहीं आऊंगी, यानी तो वीडियो भी नहीं बनाऊंगी। तो क्या ढोल, बिना पूछे भी तू बोल ही देती है, निकालना ही पड़ता है मेरा नाम, या नहीं तो मेरे को ताना मारना तुझे छूटता भी नहीं है ना? क्योंकि देख क्या बोलती है कि ये क्या मेरा छोटा घर, छोटा गरीब का घर, ऐसा कुछ बोल के क्या बोलती है कि तू मैं तो मेरे हस्बैंड को दिखाती हूँ, मैं मेरे बच्चों को दिखाती हूँ। तुझे चाहिए, तुझे जरूरत है तेरे हस्बैंड को दिखाने के लिए, तेरे बच्चों को दिखाने के लिए, क्योंकि मार्केटिंग जो तू करती है तो तुझे जरूरी है, तो दिखाएगी ना, सबको दिखाएगी कि देखो ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरे बच्चे हैं। तो इसमें नई बात क्या है? क्या तू बोलती है कि मैं दिखाती हूँ, मैं तो दिखाती हूँ, तो मैं नहीं दिखाती। तो ये भी एक बार कंपटीशन कर लेंगे, तेरा ब्लॉग जो बनाती है, चल तू जो भी ब्लॉग बनाती है वो ब्लॉग के लिए, अगर मैं भी कंपटीशन में उतर जाऊँ तो बराबरी तो कर नहीं सकती, बराबरी तो कर नहीं सकती, लिख के देती हूँ। मगर जरूर मैंने बोला भी था, जानवर से जरूर मैं करूंगी, ब्लॉगिंग करूंगी। मुझे भी आता है घर चलाना, या सब कुछ आता है जो बोल बैठ के अंदर भोगती है। देख तू पहले से लेके अभी अभी सीधी सादी बन के है, तो पब्लिक को इसकी जबान अब अच्छी लग रही है कि ये इतने दिन से मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बच्चों के बारे में, मेरे फैमिली को सब इसने इतना गंदा किया, इतना गंदा किया सोशल मीडिया पे, और वो वीडियोस चल भी रहे हैं। तो तब ये इन लोगों को कोई पहचानेगा नहीं कि वो ये आज के हैं कल के नहीं, है ना? तो अच्छी बात है, जो भी बात करती है ना ढंग से बात कर, जो बात में वजन होना चाहिए, जो तू बात की है ना उसमें वजन नहीं है, क्योंकि मेरा मुंह नहीं गंदा करना ये सब बोलती है ना, इसलिए। अब ये भी मत शुरू हो जा, मैं इस्तेमा जाती हूँ और सीखने जा रही हूँ, और मेरा पहनावा देख के तू, क्योंकि मेरा पहनावा पहले से भी लेके अभी तक भी मैं जो पहनती हूँ ऐसी ही हूँ, और तेरे जैसा फेक नहीं करती। जो तू बोलती है कि बाहर तू अबाया पहन के जाती है, और घर पे आके दोनों का नंगा नाच तो पूरी पब्लिक देखती है ना? तब तेरा दुपट्टा कहाँ जा रहा है, तेरी बॉडी क्या हल रही है, किधर से क्या हल रहा है, ये नहीं देख सकती तू, और पब्लिक तो देखती है ना? तो तब तुझे अबाया का या नहीं तो कपड़ों का तुझे एहसास भी नहीं होता, क्योंकि तुझे व्यूज चाहिए, तू रील्स बनाना है। और तो और इसकी खुद की लड़की अभी बोलती है 11 साल, अब 11 साल की लड़की ही इसको शूट करती है। वाह, बहुत अच्छा है ना, तेरी 11 साल की लड़की शूट करती है तुझे। तो इतने में समझ जा कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे रही है तू, एक माँ हो के तू कितनी अच्छी ट्रेनिंग तू दे रही है, जो मेरे ऊपर तू बहुत उंगली उठा दी, बहुत कुछ उंगली उठा दी, और क्या वो तुम लोगों की फटी पड़ी है, फटी पड़ी है, क्योंकि मैंने आके बोला था अगर सम्मू का कुछ है तो ऐसा दिखा, कुछ तो सम्मू का दिखा कि पब्लिक देख के खुश हो जाए कि सम्मू का ये है बोल के, बेकार का लेके आके वेस्ट बात करके, सिर्फ कुछ भी उधर नहीं था जो तूने इतने दिन कुत्तों के जैसा भौंक रहे थे, तेरे हिजड़े और तू, तेरा बड़ा जवाई और तेरा छोटा जवाई, किधर गया भड़वा मादर चोद आरिफ, किधर रे आरिफ, किसको भेज रहा है रिकॉर्डिंग, किसको भेजा तू रिकॉर्डिंग सुन रे, और वो जिसको रिकॉर्डिंग तूने भेजी है ना वो मादर चोद को भी सुन, इधर बैंगलोर वाला है, खुद की इज्जत इज्जत, दूसरों की इज्जत धजिया उड़ा सकते हो, इज्जत की तो तुम माँ बहन करके हो गया। तो चल रहे, जिसको तूने रिकॉर्डिंग भेजी है ना वो मादर चोट के लिए बोल रही हूं, उसको तो पता नहीं मैं इधर क्या करूंगी, और उसकी फैमिली का ही बोलूंगी ना, अब तो उसकी फैमिली के बारे में इतना अच्छा बोलूंगी, सब
सबको पता है मैं अब किसके बारे में बोलने वाली हूं, है जिसकी फोटो भी डाल सकती हूं और उसे बराबर बजाऊंगी मादरचोद इधर बैठ के, क्योंकि मैं उसे कन्नड़ा, उसे हिंदी समझ में आती है, मैं कन्नड़ा में बोलने का था मगर हिंदी समझ में आती है क्योंकि पब्लिक भी हिंदी ज्यादा देखते हैं तो मैं हिंदी में बोलना पसंद करती हूँ, बोल रही हूँ। सो उसकी तो फैमिली, उसकी माँ तो रंडी से बड़ी रंडी, क्या अब थोड़े पैसे कहाँ से देख लिए, अपने आप को बड़ा क्या करोड़पति समझता है मादरचोद, बैस खाने वाला, एक साल में तो बाप को खा गया मादरचोद, अब नेक्स्ट क्या जाएगा देखते रहो, तेरे साथ तो क्या क्या होगा पता नहीं, बैंगलोर में है, रुक जा थोड़े दिन, रुक जा, लीगल तेरी बजाऊंगी, मुझे इनलीगल कुछ भी नहीं करना है, लीगल ही करूंगी, बहुत खेल लिया तू, जिसके नाम से तू बहुत खेल लिया, अब तो तेरी बारी स्टार्ट हो गई, अब तेरी जिसके के नाम पे तू खेला ना, सिर्फ उसका नाम और उसकी कसम बंधा के इधर बिठा के थी अब तक भी, वो ही तुझे बचाती आई अब तक, चल अब तो ठीक से तेरी लगाऊंगी, ठीक से तुझे, तेरे भाई को, तेरी माँ को कभी भी सामने 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 फेस टू फेस बात करना सिख मादरचोद, है इतना सा तू, पता है ना तेरी और क्या है बोल के, तुझे पता नहीं है, उधर आके ही करके दिखाती हूँ मैं क्या हूँ बोल के, समझ जा, और भेज आरिफ तो और रिकॉर्डिंग भेज उसको, ठीक है, और वो मादरचोद तेरे को क्या क्या भेजा, तू भी खुद बोला है, इसका नाम बोला है, अभी मैं वापस मुझे बोलने की, उसका नाम नहीं बोलूंगी, बोल रही हूँ देख सोशल मीडिया पे, नाम नहीं बोलूंगी, उसे कर को दिखाऊंगी, उसका जो करना है ना ठीक से करके बाद में बताती हूँ कि साले देख ये कर सकती हूँ मैं बोल के, और तेरी माँ है ना, तेरी माँ 100 के साथ 100 के यहाँ तक, तुझे तक तेरा बाप का नाम पता है क्या नहीं, तेरी माँ को जाके पूछ मादरचोद, पूछ तेरी माँ को, एटलीस्ट जो जिनके जिसके ऊपर तू नाम रख के और जिस जो जो फैला रहा है ना, जो जो इधर फैला रहा है ना उधर, तुझे बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा कि इज्जत की धज्जिया उड़ रही थी, तो चल मजा आया अब खेलने में बहुत मजा आएगा, ये तो बैंगलोर वाले मादरचोद को बोल रही हूँ मैं, उसकी माँ जिन जिनके साथ सो के है, मैं तो रिकॉर्डिंग उधर भेजी थी बंगाला में, तो डाली थी ना किसके साथ सोया था बोल के, सो उसकी माँ किस किसके साथ सोई थी बोल के, खुला अब उसकी फोटो और पूरा सबके साथ डालूंगी, पहले इसका खत्म तो कर लूं, लीगली खत्म करने के बाद डालूंगी, डाल के इनकी धज्जियां उड़ाऊंगी, वीडियो बना के डालूंगी कि इन मादर चोदों के साथ यही कर सकती हूं मैं, करूंगी जरूर, मेरे फैमिली के बच्चे फैमिली तक आया, रे भड़वे सुन मादर चोद, अभी भी पता नहीं है वो यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है, किसको पता है, तुझे बोलने की जरूरत है ना, उनको पता भी नहीं है उनकी वाइफ का और क्या क्या तू डाला भेजा गया था उधर, उनकी फोटोज और क्या क्या बोल के वीडियो बनाया गया है ये भी पता नहीं है, चल वो पता चलने से मेरे से ज्यादा खुद आएंगे तेरी बारात उतारने के लिए, कहीं दूर नहीं है ना, 2 गली पीछे है तेरा घर उनके, आके ठीक से बजा के जाएंगे, मैं डालूंगी ना, पूरा डालने के बाद पता तो चले, और आरिफ और क्या, अब तुझे मैं वेट करने की भी जरूरत नहीं है, तू आएगा तुझे इधर लेके आने के बाद मैं इसको काम ये होगा, अब मुझे पता चल गया ना पूरा डिटेल में, तो मुझे अब क्या है, इधर वालों को भी बजाना है तुझे भी बजाना, तो अरे तू बच्ची पड़ी है, तेरे तो बच के हो गया, बोलने की जरूरत नहीं है, उठा के लेके आके इधर लात मार मार के नंगा करके नचाएंगे ना, तब मजा आएगा तुम लोग को देखने, चल आ जाते हैं कहीं से, है तो झोपड़पट्टी वाले आके मेरे बारे में बात करते हैं, बता मैं अब भी पूछ रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, कुछ है तो दिखा बोल, तब मानती हूँ सम्मो का, बैठ के इधर शान से बोलती हूँ, देख हम बैठ के अकेली बैठ के अब तक भी अकेली एक औरत ही लड़ रही हूँ मैं, किसी की जरूरत भी नहीं है, किसी को पकड़ के यानी तो ऊपर आने की भी जरूरत नहीं है, तुम लोगों को चाहिए तो तुम खाओ व्यूज, देख मुझे जरूरत नहीं पड़ी तेरे नाम की या तेरे वो जो भी तेरा एक कोसा भी एक मैं तेरा एक क्या बोलते हैं इस पर मैं फोटोज डाल के नहीं हूं, ना तेरी ना वो मोटी की ना टकली की ना किसी की भी नहीं डाल दी, क्यों बोल मुझे जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत थी देख मेरे फोटोज सब लगाना पड़ा, वाह यही है ना, और सुन टकली तुझे एक बात उस दिन से भी बोलने के लिए थी जब तू मुझे कटेली बोली ना, उस दिन से तुझे ये बात पूछने वाली थी, देख माशाल्लाह मेरा चेहरा में बोलने की जरूरत नहीं, पूरी पब्लिक तो देख रही है, तो तेरा इधर जो मार्क है ना, मार्क
तुझे कटेली बोला, गुन्ना बोलते हैं, गुन्ना किसने मारा था जो इधर इतना अच्छे से दिखता है तेरा, इतना अच्छे से गुन्ना जो दिखता है ना, वो तो दिखा, वो तो बोल, दिखा नहीं, दिख रहा है तेरे फेस पे, तो बोल सकती है ना कि कैसा पड़ा, उसके बारे में बोल। और जो तेरा घर का तो बोलती है ना, इतना इतना दिखा के, ये सब दिखा के, तो दिखा और अच्छे से दिखा। मैं जब स्टार्ट करूंगी तो अगर तेरी दम है तो बराबरी बराबर की करके दिखा ब्लॉक्स में, बात पता चलेगा। क्योंकि देख, तुझे जो भी आते ना, तेरा सिर पकड़ू, सब हट गए ना, बैठ गई, तू छोड़ी है कुत्तों को भोंकने के लिए। जैसा वो अब तेरी है, देखिए गुटखा उसको इतना तो सिखा लेती, वो भी मुसलमान होके है, नमाज पढ़ के ये पढ़ के वीडियो बना के डाली है ना, तो थोड़ा उसको ये भी सिखा देती कि जो दूसरों को लड़कियों का नंगा गिंगा फोटो सब डाल देती है, सर पे ओढ़ लेती है, वो भी सलाम करके बैठ जाती है और दूसरों को नंगा करती है, पहले ये तो हटाने कराओ, पहले उसको ये तो बोलने कराओ कि क्या ये बोलना है इसको कि अभी बैठ के नमाज का सब डाल रही है ना, पहले खुद पाक साफ है जो दूसरे लड़कियों को कहीं का किसी का नाम किसी का ये नंगा करके लेके आके डाल दिए वीडियोस पे, किसी का भी नाम ले लिया, किसी को भी कुछ भी बदनाम कर दिए, इसीलिए तो तेरे व्यूज, इसीलिए तो तुम लोग व्यूज खाते हो भिखारी, इसीलिए तो हम लोग वो बच्चों का नाम लेके उन बच्चों का वीडियो डाल के ही तो खा रहे हो, खाओ चाटो, भीखी है, भीखी है, खाते रहो, जो लड़कियों की भीख है जब तुझे मिल रही है तो खा थोड़ा बहुत इसको। और चल भाग गया ना रे बुढ़े माधर चौध, मैं बोली नहीं तेरे को, लग मत मेरे, ये बोलती है देख, मेरे नाक मत लगना, मेरे नाक मत लगना, फुड़ गई ना तेरी, गई ना तू। अब क्या बोलती है कि भोग भोग के थक जाएगी, मैं थकने वालों में से नहीं, मैं थकने वालों में से है नहीं हूं, जितनी हर दिन हर दिन हर वीडियोस में कहां भी जाओ, हर एक कौन से वीडियोस पे कहीं और बैठ के भी माधर चौध लोग जो बनाते हैं ना, उन सबको बोलती हूँ, अगर गांड में दम होती ना तो फेस टू फेस बात करते ना, वीडियो बना के डालने से, वीडियो बना के बकने से अच्छा है ना, उनको चार पैसों की जरूरत है, तो चलो उठा लेते हैं, अभी इसने डाला वीडियो, वो उठा के वो पैसा कमाती है, वो उठा के वो कमाती है, चल सदखे में जी, जो वीडियो डाल के मेरा ये मेरी फैमिली के बच्चों का डाली है ना, वो सदखे में जी, तू और तेरी फैमिली और जो जिन जिन को तू चलाती है ना पूरे सब उसी बच्चों का सदखा दूसरों को सिखाने चले जाती है। ओह मैं, हमें लोग गरीब है, हम ये है, अब पता चल रहा है गरीब है, तो बहुत बड़ी शान कर रही थी, और तो और सोफा बता रही थी, वो बता रही थी, मतलब ठीक से तो बता ले कि क्या है तेरा घर, इतनी सी वो फ्लेआउट किए किए है तेरे इस घर में, मेरी दीवार है, मेरा घर है, नीचे ऊपर घर है मेरा, ये मेरी रूम है ऊपर की, नीचे पूरा घर है, ये ऊपर रहती हूँ मैं, पूरा का पूरा बोलती हूँ ना, पूरा ब्लॉग बना के डालूंगी नेक्स्ट जनवरी तक, वेट करो, नया एक ब्लॉग शुरू करूंगी। तो आज जिसे मैं बात कर रही हूँ समझ तो गया होगा, माधर चौध, बैंगलोर वाला माधर चौध, पेद्दा लोफर, पेद्दा, पेद्दा मतलब तुझे मालूम है रे झांट, तुझे ही बोल रही हूँ, सो क्या तू पेद्दे गांडू पेद्दा, ನಿನಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರದು, ಇದು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರದು, ನಿನಗೇನೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋದು, ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ನಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೇಗೆ ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ, ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇದೇ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆನ್ ನೋಡು, ವೇಟ್ ಮಾಡು। तो आज बस इतना ही, मैं नेक्स्ट आपको यही बोलने वाली थी कि जुम्मा में, जुम्मा फ्राइडे फ्राइडे में इस्तेमा को जाना जा रही हूँ, तो बहुत कुछ सीखना भी चाहती हूँ, इंशाअल्लाह सबको यही हिदायत दे अल्लाह कि सबको ये आए, बोलने से ज़्यादा वो करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सबको यही चाहती हूँ सब। चलो मुझे भी सब दुआ करो कि मैं भी एक पाक ईमान वाली मुसलमान, मतलब पूरी तरह से मुकम्मल हूँ। बाय।